हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का 20 एक्सरसाइज नंबर 27 को पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड्स, और अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है पूरी वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि क्यों गारंटी दे रहे हैं, किस तरह से बताने वाले हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप लोगों अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहाँ भी हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे ले जाएंगे। जो भी सजेस्टेड में ट्रांसलेशन है, जो भी आपको ट्रांसलेशन बुक है आपके पास, उसका जो है नेम नीचे जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर इस पर बनाइए, हमें सजेस्ट कीजिए, जिससे कि हमें भी आप लोगों को देने में, यानी कि ट्रांसलेशन की वीडियो देने में खुशी मिले। तो इसलिए फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए, जो भी करना कीजिए, और वीडियो को पूरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर देखिए, सूर्य गोल है, सूर्य गोल है। अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से द का ही प्रयोग करना है, बट कैसे वो से भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कहा जा रहा है कि सूर्य गोल है, पहला देख रहे हो आप, एक नंबर में सूर्य गोल है। अब मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताता हूँ जो कि आपके बुक में ही दिए गए हैं। पहला रूल है कि द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है। तो सूर्य आप जान रहे हो कि दुनिया में केवल एक है, और इसी तरह से मैं नियम बताते जाऊंगा, और आप लोगों को जहां पर भी जिस नियम का प्रयोग होगा वहां पर मैं बताऊंगा। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए। देखिए, सूर्य गोल है जो कि दुनिया में सूर्य एक है, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, जरूर करेंगे। लिखेंगे द सन, द सन, ठीक है, इज द सन इज। अब देखिए, हमने लिखा द सन इज, ये कुछ भी नहीं है, द सन इज राउंड, ठीक है, द सन इज राउंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे कहा जा रहा है कि चांद जो है सुंदर है, चांद सुंदर है, तो यहां पर चांद भी जो है एक ही है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द मून इज ब्यूटीफुल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे और भी दिए गए हैं, आकाश नीला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आकाश जो है एक है, आकाश मंडल जो है एक ही है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द स्काई इज ब्लू, इज ब्लू, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे है फ्रेंड्स कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि पृथ्वी भी एक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द द अर्थ, द अर्थ इज, ठीक है, द अर्थ इज राउंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दिया गया कि रामायण एक महाकाव्य है, तो यहां पर रामायण भी हम लिखेंगे द रामायण, ठीक है, द रामायण, यहां पर हम लिखेंगे द रामायण इज, देखिए हमने क्या लिखा, द रामायण इज, और महाकाव्य का होता है इपिक, क्या होता है इपिक, तो ई यानी कि यहाँ पर हम एन लिखेंगे, एन इपिक, ई पी आई सी, एपिक, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम देखें तो आगे है कि हिमालय एक पहाड़ है, हिमालय एक पहाड़ है, यह भी एक दुनिया में एक है, तो हम क्या लिखेंगे, द द हिमालयाज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हिमालय एक पहाड़ है, तो हम क्या लिखेंगे, द हिमालयाज, ठीक है, द हिमालयाज, यहाँ पर लिखेंगे एच आई एम, ठीक है, हिमालयाज, ठीक है, एम ए एल ए वाई ए एस, ठीक है, द हिमालयाज इज, क्या लिखा हमने, द हिमालयाज इज। अब देखिए, हमने कहा जा रहा है कि हिमालय एक पहाड़ है, इज अ माउंटेन, एम ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन, देखिए मैं इधर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हमने जो लिखा है उसी ध्यान से आप लोग देख सकते हो कि हिमालय एक पहाड़ है, द हिमालयाज इज ए माउंटेन, ठीक है। अब आगे दिया गया थोड़ा बड़े हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया इज, यानी कि एक समाचार पत्र है, तो यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे, द टाइम्स ऑफ, क्या लिखना है, द टाइम्स ऑफ, अब हम लिखेंगे
द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ठीक है फ्रेंड्स, अ न्यूज़पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब है कि गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए गंगा एक नदी है तो हम लिखेंगे द जी यानी कि गंगाज इज अ रिवर। ठीक है, आगे कि हारमोनियम एक वाद्य अंत है, यंत्र है, हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यह निश्चित है कि वह वाद्य यंत्र है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे द द हारमोनियम MONIUM हारमोनियम इज। अब देखिए वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पर हम लिखेंगे म्यूजिकल, यहां पर देखिए ए लगेगा और लिखेंगे म्यूजिकल MUSICAL म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट। चलिए आगे देखते हैं आगे कि ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए ताजमहल जो कि एक है दुनिया में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ताजमहल TAJMAHL द ताजमहल इज, देखिए बहुत प्रसिद्ध, ठीक है बहुत प्रसिद्ध, यहाँ पर लिखेंगे वेरी फेमस। इज वेरी फेमस। चलिए आगे देखते हैं आगे है कि लाल किला लाल है, लाल किला लाल है, द रेड फोर्ट लिखेंगे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट FORT द रेड फोर्ट इज, द रेड फोर्ट इज रेड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, आगे कि प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, प्रशांत महासागर बहुत महंगा सॉरी फ्रेंड्स गहरा है, क्या लिखेंगे हम द पैसिफिक ओशियन, क्या लिखेंगे द पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर ध्यान से देखिए द पैसिफिक PACIFIC ध्यान से सुनिएगा पैसिफिक ओशियन OCEAN। ठीक है, क्या लिखा हमने द पैसिफिक ओशियन। अब देखिए यहाँ पर इज का प्रयोग करना है वेरी डीप, ठीक है वेरी डीप, डीप मीन्स होता है गहरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कि मैं तीसरा व्यक्ति था। अब फ्रेंड्स आप लोगों के बुक में ही दिया गया है दूसरा कि सुपरलेटिव या सॉरी फ्रेंड्स ऑर्डिनरी नंबर यानी कि ऑर्डिनल, ठीक है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल्स नंबर हो गया कि तीसरा चौथा पांचवा छठा पहला दूसरा, ठीक है इस तरह से, इसके पहले हम क्या लगाएंगे द का प्रयोग लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आई वाज द थर्ड THERD थर्ड मैन। देखा फ्रेंड्स क्या लिखा हमने कि मैं तीसरा व्यक्ति था यानी कि आई वाज द थर्ड मैन, समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स अब नहीं है सॉरी फ्रेंड्स हमने बोला आगे है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं लाया, अगर आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, हमारे लिए फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है सर भी थोड़े ऊपर जाना चाहते हैं और आप लोग अगर चाहो तो यहाँ तक पहुँचा सकते हो, तो चाह लो तो क्या कितना तक पहुँचा सकते हो आप लोग, मान लीजिए कि आप लोग मेरे लिए एक भगवान हैं और इसलिए फ्रेंड्स आप लोग
हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए जितना हो सके आप लोग हमें ऊपर ले जाइए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। इसके लिए मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूँ मुझे मालूम नहीं, बट फ्रेंड्स आप लोग इस तरह ही पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हो और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना और भी करो, ठीक है फ्रेंड्स। और जितना हो सके हमारी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आप लोगों पर ही मेरा जो है विश्वास टिका हुआ है। तो जल्दी से शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो ज्वाइन करने के लिए चैनल को और पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।